हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लान रन। आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्चुअल वर्क से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है 2100 प्लस सब्सक्राइबर की हो चुकी है। ये सब आपके सहयोग से ही हो पाया है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो देखिएगा, इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ नोट्स भी बताएंगे जो आपको प्रत्येक सवाल में याद रखना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को पहले आप अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चंस को? कह रहा है ए यूनिफॉर्म बीम। मैंने यहाँ पर दोनों शब्द इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप समझ जाएँ क्वेश्चंस वही है, या तो बीम कह दें या रॉड कह दें, ठीक है? तो आप समझेंगे, ए यूनिफॉर्म बीम और यानी अथवा रॉड ऑफ लेंथ 2a, यानी जिसकी जो लंबाई है छड़ की कितनी है, 2a है, रेट्स स्थित है इन इक्विलिब्रियम अजेंस्ट साम्यावस्था के विरुद्ध। ए स्मूथ वर्टिकल बॉल, एक हमारी जो स्मूथ चिकनी दीवार है जो कैसी है, वर्टिकल अभिलंबवत है। एंड अपॉन ए पेग, अपॉन ए पेग यानी जो अपनी वर्टिकल बॉल है उसके ऊपर एक क्या, पेग, पेग मीन्स खूंटी है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस बी, बी डिस्टेंस पर एक खूंटी क्या है, आपकी खूंटी है, ठीक है। फ्रॉम दी बॉल, कहाँ से, बॉल से, तो आपकी बॉल ये रहेगी इस प्रकार, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी, लेकिन अभी हम फिगर बनाएंगे उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सो डैट हमें सिद्ध करना है द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव ऑफ दी बीम्स, जो बीम का झुकाव है वो हमें फाइंड करना है, टू द वर्टिकल ऊपर की वो जो कोण बनेगा उस झुकाव को हमें ज्ञात करना है, इज कितना है, इतना है, ये हमें प्रूव करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। प्रूव करने के लिए दिया होता है, दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं दिया है तो आप निकाल भी सकते हैं ना। तो एक बार फिर से समझेंगे, कह रहा कि एक आपकी बीम है इस प्रकार से, जी जैसे मैंने पेन को इस प्रकार से कह दिया, इस बीम, जी बीम है आपकी और यहाँ कहीं पर एक खूंटी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसमें एक 2a लेंथ का ऐसे झुकाव में एक आपकी दूसरी क्या है, रॉड है, तो आपको ये एंगल निकालना है जी, इधर का ऊपर वाला ना कि नीचे वाला। तो इस प्रकार से जी जो है यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन इससे पहले आप कुछ इंपोर्टेंस नोट्स समझेंगे, वो क्या है आप हमेशा सवाल में रखना ध्यान, ठीक है। तो पहला नोट्स है आपके लिए ये कि आपको क्या करना है, रॉड यदि दी गई हो तो रॉड क्या, रॉड दी गई हो तो जो रॉड मीन्स क्या होता है, छड़ होता है, नहीं होता है छड़, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पर होता है, मिडिल पॉइंट पर होता है, इन मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रखने वाली बात है, मिडिल पॉइंट, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात सेकंड आपको ध्यान में रखना है इसका, कि आपको पूछा क्या गया है, टेंशन निकालने के लिए बोल रहा है या थ्रस्ट बोल रहा है, ठीक है। और दोनों के लिए, इसके लिए आप जानते हैं टेंशन होता है तो माइनस टी इंटू डेल्टा एल लगता है, और ये इसके लिए होता है टी इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो जी आपके जी दो, पहले देखना है कि टेंशन है या थ्रस्ट है, सॉरी ये थ्रस्ट है, ये समझ जाएंगे। फिर आपको इसके पश्चात आपको निकालना होता है यहाँ पर डेल्टा एल, ठीक है, जो आपके टी तो वहाँ पर दिया रहेगा है ना, यानी टी के फॉर्म में ही निकाला जाता है, या डब्ल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करनी होती है डेल्टा एल, तो इस डेल्टा एल को निकालेंगे, कई मेथड होते हैं, आप त्रा जो आपके त्रिभुज होते हैं उसमें त्रिभुज रूल लगा सकते हैं, है ना, और आपने साइन थीटा कॉस या टेन कॉट कॉसेक, इस प्रकार जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनको अप्लाई करके भी, किसी त्रिभुज में अप्लाई करके डेल्टा एल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात ये हुई, तो इसको आप कंडीशन लिख सकते हैं, इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये पहले तो होता क्या है, ये होता है आपका चेंजिंग, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट
अब पॉइंट वो दिया देगा कि खूंटी दी गई है या पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जी हो जाएगा, ठीक है। जो डेल्टा एल आप रहेंगे, फिर इसको फाइंड करने के तरीके होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आप तरीके आप जानते हैं, फॉर दिस पॉसिबल प्रॉब्लम कह सकते हैं आप, प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिस मतलब इसको, खाली मैं ऐसे नोट बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। यूजिंग आप क्या करेंगे, यूज करेंगे बाई ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम होती क्या है, इसको मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, जब मैं सेकंड मेथड इस सवाल का बताऊंगा, ठीक है। एंड आल्सो आप एंगल प्रॉपर्टी का यूज भी करेंगे, क्या करेंगे, एंगल प्रॉपर्टी का। और भी आप किसी भी तरह से आपको डेल्टा एल फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। इसके पश्चात आप लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्चुअल वर्क का, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करना है, छा दी रही होगी तो उसका आप जनरली जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है, मिडिल पॉइंट पर होती है, ठीक है। और फिर देखना है उसमें टेंशन दिया है या थ्रस्ट दिया है, ठीक है। फिर इसके पश्चात आपको डेल्टा एल फाइंड करनी होती है, जो कि फिक्स्ड पॉइंट से फाइंड प्राप्त करनी होती है, ठीक है। फॉर द फिर आपको क्या करना है, डेल्टा एल फाइंड करने के लिए पूरी प्रोसेस करनी होती है, जिसमें आप विभिन्न थ्योरम्स का अप्लाई करके किसी भी तरह से डेल्टा एल फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आप सिंपली क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क कहता है कि जितना भी कार्य किया जाता है वो उन सब का जो बीजी योग होता है वो बराबर 0 के होता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। ये यूनिफॉर्म बीम और रॉड ऑफ लेंथ 2A, यानी 2A लंबाई की एक छड़ जो कि साम्य अवस्था के विरुद्ध एक चिकनी दीवार में, क्या है, चिकनी दीवार में स्थित है, ठीक है। अपॉन ए पेग, एक खूंटी के ऊपर, एट ए डिस्टेंस बी, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, बी, कहाँ से, दीवार से, ठीक है। सो डेट, हमें क्या करना है, झुकाव प्राप्त करना कि इतना है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे वो क्या कह रहा है, इस सवाल को पहले तो आप फिगर से अच्छे से इसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, तो आपने ये बना दी है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी दीवाल बनाएंगे, ठीक है। ठीक जी, आपकी क्या बन गई, दीवाल। इस दीवाल का नाम भी देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कह दिया जी ए, और यहाँ पर कह दिया जी बी, यानी जो ए बी है आपकी क्या है, दीवाल है, ठीक है। ये क्या हुई, दीवाल। अब आपको झुकाव निकालना, वो स्पष्ट कह रहा है झुकाव, यानी इसका मतलब क्या है, वो तिरछी होगी रोड आपकी। तो तिरछी हमने मान ली कि ये तिरछी रोड जो है ए से है वो इस प्रकार से है, ठीक है। अभी तो ये ऐसी है, देखिए अभी छड़ यदि यहीं पर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगी, तुरंत नीचे आ जाएगी। तो इसके अब क्या करना पड़ेगा, एक खूंटी बांधनी पड़ेगी। तो खूंटी हमने वो कह रहा है कि किसी पॉइंट से खूंटी आपकी ये है सी, हमने इसको खूंटी को नाम दे दिया, ये सी आपकी खूंटी है, ठीक है। यहाँ से जब सी जी है तो कह रहा है कि इस छड़ की इस खूंटी से दूरी, वो स्पष्ट क्वेश्चंस में कह रहा है कितनी है, कह रहा है वो बी है, ठीक है। फ्रॉम दीवाल से खूंटी तक की, सॉरी इससे जो ये है आपकी, इससे आपने पूरी जो लेंथ है आपकी इसको नाम दे दिया ए डी, यानी ए डी आपकी रॉड है और ए बी आपकी क्या है, बॉल है, और सी सी जो है आपकी खूंटी है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना है, ये आपको एंगल प्राप्त करना, कह रहा है कि इतना एंगल जो है वो स्पष्ट कह रहा है ना, वर्टिकल, यानी जो ऊपर की ओर कोण बन रहा है ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यदि वो नीचे का भी कहता तो वो भी आप आसानी से प्राप्त कर लेते, है ना, क्या पूरा जानते 180 अंश का है, और ये थीटा घटा देते तो आपको ये भी प्राप्त हो जाता, लेकिन हमें निकालना है थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डॉट डॉट करके मिलाइए, और हम इसको यहाँ तक मिलाएंगे, सपोज यहाँ पर छड़ का मिडिल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। सपोज मान लिया कि यहाँ पर है, इस मिडिल पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ, क्या दे दिया नाम, ओ, ठीक है। तो हमने जो मिडिल पॉइंट हो वहाँ तक इसको बढ़ाया, ठीक है, ठीक है जी, हमने बढ़ाया।
जी इस प्रकाश से आगे जी आप जानते हैं 90 अंश का कोण बनेगा, नहीं बनेगा। आप चित्र को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप सिंपली क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जी आप जानते हैं 90 अंश का है, आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, इसको पहले आप एन कह दीजिए, ये जो बिंदु है इसको कह दिया एन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं, संगत कोण। संगत कोण आप जानते हैं, दो दो लाइन यदि समानांतर है, ऐसी लाइन एक तिरछी डाल दी जाती है, तो इसके संगत ये जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। तो संगत कोण की दृष्टि से ये कोण और ये कोण आपके क्या होंगे, बराबर, यानी कि ये थीटा आपका कोण होगा, ठीक है। आप जानते हैं ये नब ये थीटा और ये 90 है, तो ये कोण आप जहाँ सी बात है ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा। और जो आप जानते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण, यानी आपने हेड एंगल पढ़ा होगा, हेड एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो आपको ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो आप इसको कह दीजिए ई पॉइंट। आप देखिए, आप जानते हैं इस छड़ का कुछ भार तो होगा ही, जाहिर सी बात है भार है, तो जाहिर सी बात इसमें क्या कार्य करेगा, डब्लू भार नीचे की ओर कार्य करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो अब डब्लू भार नीचे की ओर करेगा, चूंकि यहाँ से आप खूंटी, यहाँ से ये दूरी फिक्स्ड है, यानी ये कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का यदि डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 0 ही आता है, तो इस वजह से ओनली आपका ये ही कार्य डब्लू कार्य करेगा, ठीक है। तो इस इतना आप चित्र को अच्छे से समझ गए होंगे, यदि फिर भी दिख के तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमने ये कह दिया, इतना आप जो हमने इसमें किया है वही आप पहले इसको लिखेंगे। अब आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, डेल्टा एल, तो यहाँ पर डेल्टा एल का कार्य कौन करेगा, जहाँ पर डब काम होता है वहीं पर, तो यहाँ पर देखिए वर्क कहाँ पर है, डब्लू यहाँ पर। अब तनाव तो इसमें कार्य कर नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ पर डब्लू है, तो आपको डिस्टेंस कौन सी जरूरत पड़ेगी, ओ ई। तो आप किसी भी तरह से ओ ई प्राप्त करना है, ओ ई प्राप्त करने के लिए आपको दो तिरभुज हैं, एक जे तिरभुज पता है, एक जे तिरभुज पता है, और आपको ए ओ पता है, चूंकि पूरी कितनी है, 2a लेंथ है, और जी हमने ओ को मध्य बिंदु माना, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, मध्य बिंदु में होती है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ए ओ बराबर कितनी है, स्मॉल ए। इतना आप समझ गए होंगे, क्यों किया, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर, आप जानते हैं मध्य बिंदु पर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्य ज़्यादा करती है, तो इसलिए डब्लू ये जो है नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लैंग्वेज पहले अच्छे से लिख लेंगे, फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट लेट माना ए बी, ठीक है। तो यहाँ से लेट मानेंगे ए बी विदा बॉल एंड पेग इज क्या है, सी है, आपने जो पेग कही खूंटी वो क्या है, सी है, एंड आल्सो द डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस ऑफ दी पेग फ्रॉम फ्रॉम बॉल इज कितनी है, बी, अर्थात कह देंगे सी एन इक्वल टू बी। इतना आप समझ गए, इतना हमने लिख दिया, इतना ये आपका निकल गया। अब आगे क्या माना, एक थीटा कोण माना, और आपकी ये रोड रह गई है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर एंड लेट माना थीटा विदा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी झुकाव है ऑफ दी रॉड, ठीक है। रॉड किसका नाम क्या है, एडी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, टू द किससे है, बॉल से, बॉल से क्या है, ये झुकाव है, और ये भी लिख सकते हैं झुकाव है किसकी, किसमें, वर्टिकल अपॉन ऊपर की ओर, दिख के रहा ना, तो ये आपने इस प्रकार से ये लिख दिया। देन तब अब आपको क्या प्राप्त करना होगा, ओ ई, ओ ई कैसे निकलेगा, तो आप तिरभुज का रूप पहले तो इसी तिरभुज में बात कर लीजिए, तिरभुज कौन सा, ओ एन ई, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इन ओ क्या है, ओ एन ई, ओ एन ई, सी वन की इंग्लिश बन गई है ना, तो वन तिरभुज में बात कर लेंगे। इस तिरभुज में बात करने के लिए आपको दूरी क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पता चल जाए, क्योंकि आप जानते हैं ये रॉड है, और रॉड से हम दूरी फाइंड आसानी से कर सकते हैं ना,
ये तो आपको पता नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, एक इस भुजा को लेंगे और आपको ये तो निकालनी है, यानी दो भुजाओं को लेना है। तो ये किस ऐसा तरह ऐसा आप साइन थीटा या कॉस थीटा या वो लगाइए जिससे आप दोनों भुजाएं क्या हो जाए, क्लियर दोनों आ जाए उसमें। तो देखिए यदि हम आप जानते हैं कि जो कोण है आपका, कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप सिंपली देखेंगे तो आप ये तो यदि साइन थीटा लेते हैं तो लंब आपका ये होगा, तो यानी कि हमें साइन थीटा नहीं आएगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण किस में आते हैं, आप जानते हैं कॉस थीटा में आते हैं। तो लगा देंगे यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार यानी बेस ओ ई डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका कर्ण है यानी ओ एन। तो आप यहाँ से सिंपली आपका आ जाएगा कॉस थीटा ओ एन बराबर ओ ई, या इम्प्लाई जेड कह सकते हैं, यहाँ से ओ ई इक्वल टू ओ एन को आप क्या लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं जो ए ओ माइनस ए एन, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से कह देंगे ए ओ माइनस का ए एन कॉज थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं ए ओ क्या है, ये पूरी ए है ना। तो यहाँ से ए माइनस का ए एन, ठीक है, और कॉज थीटा, इतना आप समझ गए होंगे। ओ ई इसके इक्वेशन आप फर्स्ट कह दीजिए। अब आपको पूरी वैल्यू पता चलेगी, खाली आपको ए एन पता चल जाए। तो ए एन आप कौन सी भुजा है, आप जानते हैं ए एन ये है, ए एन ये है और ये पता है। अब देखिए आपको दो भुजाएं इन इनमें संबंध के लिए आपको लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात रेशियो। तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, ये जानते हैं ये कर्ण है और थीटा आपका ये कोण है, तो ये लंब कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो यानी कि लंब और कर्ण में कौन सा अनुपात संबंध बताता है, साइन थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा लगा दीजिए, तो लगाएंगे त्रिभुज ए सी एन में, इन त्रिभुज ए सी एन में। तो लगाएंगे यहाँ से क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से लंब यानी सी एन डिवाइड में कितना बनेगा, ए एन। तो यहाँ से सिंपली ए एन प्राप्त हो जाएगा आपका सी एन, क्या बोलते हैं, बराबर सी एन, सी एन का वैल्यू बी क्या है, बी, और यहाँ पर कॉसेक थीटा। जी माने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपना आ जाएगा ओ ई बराबर ए कॉज थीटा, इसको अंदर गुणा भी करा दिए, माइनस क्या बन जाएगा बी, और वन अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा गुणा में, तो केस का फॉर्मूला बन जाएगा जी कॉट थीटा। तो देखा सिंपली आपका ओ ई प्राप्त हो गया, बस आपका सवाल लग गया। मेन होता है जो डिस्प्लेसमेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको एल कहेंगे हम, किसको एल, ये आपका निकल आया। अब फिर इसका अवकलन कर देंगे तब बनेगा डेल्टा एल, ठीक है। तो इसको जो जो आया इसको कह दीजिए सेकंड इक्वेशंस। अब आपको क्या लगाना है, बस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन लगानी, आंसर आ जाएगा। इतना आप समझ गए, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सिंपली आगे आगे हम देखेंगे, सेंस चूंकि आपको पता है ओ वी दा क्या है, मिडिल पॉइंट क्या है जी, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट है ऑफ दी रॉड, रॉड का क्या है मिडिल पॉइंट, देन तब दा बाई लगा दीजिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो क्या होता है, जितने उसमें कार ओनली डब्लू कार कर रहा है, तो डब्लू इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल, या ऐसा भी लिख सकते हैं डब्लू इंटू डेल्टा ओ ई बराबर जीरो। अब चूंकि यहाँ पर डब्लू और डेल्टा और ओ ई मान कितना निकाला आपने, ए कॉज थीटा माइनस का बी कॉट थीटा बराबर जीरो। अब आप इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डब्ल्यू तो जीरो की साइड चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा, और अब थीटा का भी होगा तो डेल थीटा माइनस बी, और कॉट का होता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉसेक
स्क्वायर थीटा है ना, डेल थीटा बराबर 0। अब डेल थीटा कॉमन करके जो 0 के बराबर तो हो नहीं सकता डेल थीटा है ना, अब यहाँ पर डेल थीटा कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा बी कॉसेक थीटा माइनस का ए साइन थीटा बराबर 0। अब सिंस चूंकि पता है कि ये थीटा तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि थीटा यहाँ पर समझिएगे, यदि थीटा का डेल्टा थीटा 0 तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा इस वजह से, ठीक है। ये आ गया और यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको पक्षांतर उस साइड कर देंगे और ले जाएंगे तो साइन क्यू थीटा बराबर आ जाएगा बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप घनमूल ले लेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा बी अपॉन ए डिवाइड में 1/3। तो थीटा आपका जो इंक्लिनेशन कोण आ गया साइन इनवर्स बी अपॉन ए पे पावर 1/3। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस लगाना लगाया जाता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, नहीं था कुछ नहीं है, खाली आप एक बार फिगर अच्छे से बनाएंगे, फिर उसमें दो त्रिभुज में आपको वो दूरी फाइंड करनी है जिसमें वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अब देख लेते हैं इसका सेकंड मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड समझेंगे। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारा आधारित कोप्लेनर फोर्स, यानी जो उसके संगत जितने भी आपके समतलीय बल कार्य करते हैं उनको उस मेथड के आधार पर इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा किस तरीके से आपको लगाना है, खाली आपको पहचानना है क्वेश्चंस कैसा है, ये किस प्रकार से लगेगा, बस लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे इसका सेकंड तरीका। तो चित्र हमारा सेम वैसा ही बनना, थोड़ा सा फिगर में इसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो हमारे पास ये हमारी बन गई क्या, बॉल। इस बॉल जो हमारी बनी है ए, जो हमारा ए था यहाँ पर ए, ठीक है, और आपका ये थी आपकी रॉड यानी ए बी, ठीक है, ये रॉड हो गई है, ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने कह दिया कि ये जो है सी बिंदु है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सी खूंटी का नाम दिया था इसे पैग, तो ये आपकी पैग हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पैग। इसकी डिस्टेंस हमने क्या कह दी थी, इसको एन कह दीजिए चाहे तो, ठीक है, चलो एन ही ये रहने देते हैं, यहाँ इसको एन कह देंगे सी यहाँ पर, ठीक है, तो जी हमने सी कह दिया, ठीक है, इस इतना आप समझ गए होंगे। इसको नाम दे दिया हमने बी, ठीक है, और ये इसको क्या किया हमने, ये कह दिया, अब यहाँ पर एंगल बन रहा होगा कुछ, है ना। तो ये जो एंगल हमें प्राप्त करना है ये थीटा, और जी जानते 90 अंश का, जी 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया इतना। इसके लिए आपको देखना होता है इस बिंदु के चारों ओर किस पर किसने समतलीय बल कार्य करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये एक थ्योरम होती है, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिकली थ्योरम, उस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहले हमें बेसिक कंडीशन बनाएंगे, है ना, तो इसको थोड़ा हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो इसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे, हमने कह दिया मिडिल पॉइंट हमारा वो ये है, ठीक है, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, ठीक, समझ गए होंगे आप इतना, और इसको हमने ऐसा मिला दिया, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इतना समझ जाने के पश्चात आप जानते हैं कि इसकी लंबवत हमेशा क्या कार्य करेगी, प्रतिक्रिया कार्य करेगी आर, है ना, तो ये आपकी प्रतिक्रिया आर होगी। इसको हमने थोड़ा इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये सीधी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने सी पॉइंट कह दिया। आप जानते हैं यहाँ पर इसके लिए भी बल कार्य करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये दूरी इस प्रकार से, एक आपका समतल इस प्रकार से ये बनेगा, तो यहाँ पर भी एक कार्य करेगा। अब चूंकि ये देख रहे हैं क्या है, मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु तो नीचे क्या कार्य करेगा, डब्लू वर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण यहाँ पर डब्लू भार कार्य करेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, इतना समझ जाने के पश्चात इस बिंदु को हमने कह दिया डी है, ठीक है, इतना आप समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, बस चित्र में इतना ही है, एक बॉल बनाई, इसको हमने रॉड को तिरछा कह दिया, इस एंगल को थीटा कह दिया, यहाँ पर सी लिया और सी एन, क्योंकि ये दिया गया था। फिर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा ये किया कि यहाँ से इसको ऐसे ही बढ़ा दिया, इसको यहाँ से, क्योंकि ये इसलिए बढ़ाया क्योंकि जाहिर सी बात यहाँ पर कार करेगा नीचे की ओर, तो यहाँ पर डब्लू, तो जहाँ तक ये कार किया इसको हमने ऐसे मिलाया, तो ये आपका जानते हैं 90 अंश का कोण बन गया है, नहीं बन गया,
ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, बस जो इसमें किया वहाँ यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे द लैंग्वेज, आपको वही लिखनी है जैसी उसमें लिखी थी, द पैग इज एट सी, द डिस्टेंस ऑफ द पैग फ्रॉम द बॉल इज, बॉल कितनी, बी, ठीक है, अर्थात सी एन इक्वल टू बी। इतना आप समझ गए होंगे। और थीटा के बारे में लिख दीजिए, एन थीटा बी इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ दी रॉड ए बी टू द, किससे, बॉल से, बॉल के साथ जी क्या है, झुकाव है, देन तब, ठीक है, देन तब आपने अभी उसमें निकाला था वैसे लगाइए इसमें भी कंडीशन, कैसा, इस त्रिभुज में अभी आपने लगाया था ना एसी, प्राप्त जरूरत पड़ी थी, तो एसी निकाल लीजिए। तो एसी बराबर लगाएंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा, इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है लगाएंगे तो क्या आएगा, इसके सामने का लंब जी कहलाएगा यानी कि बी, और डिवाइड में आपका कौन सा, ए सी, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिंपली ए सी इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, बी कोसेक थीटा, नहीं आ गया, इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, सो डैट। अब आपको ज़रूरत क्या किसकी पड़ेगी, यहाँ से सी जी की, क्योंकि उसमें क्वेश्चन से पड़ेगी इसी इसी प्रकार से इसमें, तो आपको ये निकाल लेना है। तो जी सी जी निकाल लीजिए कितनी आएगी, तो सी जी के लिए आपने ये त्रिभुज है, तो सी जी आपने उसमें भी क्वेश्चंस में निकाली थी, कितनी निकाली थी, ए माइनस, यानी पूरी में से इतनी घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, तो ए माइनस कितनी, ए सी, और ए सी क्या निकाली आपने, बी कोसेक थीटा, ठीक है। तो जी आपने सी जी निकाली, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम वैसे ही लगा लेंगे। तो आपके पास ये इतना हो गया है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितने प्लेन बन रहे हैं, प्लेन्स को इसमें देखा जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो देख रहे हैं पहले तो आपका प्रतिक्रिया है, तो ये लगना ही लगना है, ठीक है। फिर देख रहे हैं एक आपका डब्लू जो कार कर रहा है वो नीचे की ओर, ठीक है, और एक आपका ये भी प्लेन है, वो ये प्लेन भी इस पर फोर्स डालेगा, नहीं डालेगा, तो जाहिर सी बात है एक आपका एडी भी कार्य करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो आपके तीन फोर्स कार्य कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, तीन फोर्स कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर आर थ्री फोर्सेस फोर्सेस ऑन दी रॉड ए बी, तीन कार्य कर रहे हैं। तो अब आपको ये लिख पा रहे हैं, तो आप तीनों फोर्स के बारे में लिख सकते हैं कौन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कौन कौन सी कार्य कर रहे हैं। एक तो आपका आर कर रहा, आर एट द पैग सी, ठीक है, इज एट राइट एंगल टू द रॉड ए बी, इसका समझेंगे मतलब, यानी कि एक जो आपकी प्रतिक्रिया कार्य कर रही किसका, किस एंगल पर, 90 अंश के, राइट एंगल मीन्स 90 समकोण, इतना आ जाएगा। और दूसरा टेंशन क्या कर रहा है, दूसरा कार्य कर रहा है कॉमा एंड सेकंड द रिएक्शन दूसरा आपका कार्य कर रहा एस ऑफ दी बॉल इज द, किस, कैसा है जी, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है। एंड एंड आपका थर्ड फोर्स है, एंड थर्ड फोर्स कौन सा है, डब्लू, इतना आप लिख दिया हमने, इसको बता दिया कि ये है। जब अब आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को आपको जरूरत है थीटा की, किसकी जरूरत है आपको, थीटा की, आप ये एंगल आपको पता है ये क्या है, 90 माइनस थीटा, नहीं है पता, ये 90 माइनस थीटा है आपको पता, ठीक।
तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, ये कोण आप जानते हैं इसको लिखना कैसा होता है, ये इस कोण को लिखना चाहें तो ए डी सी, तो ये एक कोण ये हो गया, एक ये कोण हो गया। तो आपने एक त्रिभुज में एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी जी आपने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम। तो पहले उसको मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ कैसी होती है, ठीक है। आपने ये थ्योरम्स नहीं पढ़ी हुई तो लिख लीजिए। इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा हो, ये कोण ए, जानते हैं आपने साइन एंड कोसाइन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ये ए को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जो ए होता है वो शीर्ष, यानी कोई ए कोण आपका एक ये है एक ये है। इस प्रकार से यदि कोई फिगर बन रहा है तो आप दो आपकी ये ट्रिग्नोमेट्रिकली थियोरम्स होती हैं, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, एक होता है जो आपके नीचे रहते हैं उन एंगल्स के लिए, ठीक है, और एक हमारी होती है इसको इसके एंगल्स के लिए, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि लगनी कौन सी है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कौन सी लगनी है, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर समझेंगे इसको थोड़ा उल्टा करें, क्योंकि चित्र आपका जो है वो ऐसा बन रहा है ना। तो आप यहाँ से समझेंगे, देखिएगा आपको चाहिए जे वाले एंगल, है ना, आपको कौन सा चाहिए, थीटा चाहिए। तो आपको कौन सा वाला रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें ए और बी है, जिसमें ए और बी है आपको वो वाली थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ए और बी आपको कौन से वाले में है, यानी कि इसमें, तो आपको ये वाली थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये आप लगाएंगे एम प्लस एन, तो आपका ये एम होता है, ये एन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एम यानी कि एम प्लस एन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एम का मान क्या है, ये ए सी और यहाँ पर जी। तो यहाँ से आप लगाएंगे तो क्या लगेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कौन सी थ्योरम लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम बी हैव। हम जानते हैं क्या होती है, पहले तो कोण लिख दीजिए आप, कोण जी जानते हैं आप, नब इसी में मैंने शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से, और ये भी देख लिख दीजिए यहाँ पर, ये क्या है 90 अंश, सॉरी थीटा अंश का क्या है, ये संगत कोण है, देख रहे हैं ये समांतर है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लगाएंगे इसमें, तो क्या लगेगी, ए सी प्लस कौन सी, यहाँ पर सी ओ, ए सी प्लस सी ओ, इतना आ गया। फिर यहाँ पर कॉट थीटा, और यहाँ पर थीटा जी क्या 90 अंश का है, यहाँ पर थोड़ी जी हमसे लाइन तिरछी बन गई, जी 90 अंश का है कोण, जी इस साइड 90 अंश का, इस साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर जी 90 बराबर, यहाँ पर देखेंगे सी ओ, तो यहाँ से सी ओ, फिर आपका क्या था कॉट ए मीन्स 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सी ओ कर लीजिए, यहाँ पर जी लग गया, आपने जी सी ओ किया था ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये जी आ गया। इसके पश्चात अब क्या है, माइनस फॉर्मूले में देखिए, ये वाली थ्योरम एम, यहाँ पर एम मतलब ये दूरी, सॉरी ये ए सी, ए सी, और यहाँ पर कॉट कॉट, और कौन सा आपका एंगल आप बचा, थीटा थीटा, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कॉट 90 का मान जानते हैं आप कितना होता है, 0, तो यानी कि ये पूरा 0, और सी ओ का मान आप ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, तो ए माइनस का बी कोसेक थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, नहीं होता है माइनस का, और ए सी आपका क्या है ये, और ए सी आपने निकाल चुके हैं बी कोसेक थीटा, ठीक है, बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। बस आप इतना जो आपको सॉल्व करना है इनको साइन में सबको बदल दीजिए और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इसको देखेंगे तो ए माइनस बी बटे साइन थीटा, इसको करेंगे तो जी आपका जानते हैं सॉरी साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस बी इंटू, यहाँ पर देखिए जी क्या बना,
यहाँ से बी अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पर देखेंगे तो कॉज थीटा डिवाइड में साइन थीटा, है ना। बस इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन क्यू थीटा बराबर, सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से साइन क्यू थीटा बराबर बी अपॉन ए, और यहाँ से आपका सीधी आ जाएगा साइन बराबर थीटा बराबर साइन इनवर्स बी अपॉन ए पे पावर 1/3। ठीक है, इस प्रकार समझेंगे एक बार फिर से। देखिए यहाँ से आपने सबसे पहले एक जी आपकी रॉड हुई तिरछी, यहाँ से पेग, फिर इसको हमने थोड़ा कोप्लैनर रूल लगाने के लिए इसको आगे इस प्रकार से बढ़ाया, इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक प्लेन आपका ये बनेगा, और ये तो आपका बन ही रहा है नीचे की, और एक आपकी इस प्रकार से ये कार्य करेगा, इस प्रकार तीन फोर्स कार्य करेंगे। ठीक है, वैसे इसको लिख इसलिए दिया लेकिन ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर लिखने की, लेकिन यहाँ पर लिख दिया तो और अच्छे नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि जितना आप अच्छे से लैंग्वेज लिखेंगे बेस उतनी ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने, मैंने अभी थ्योरम बताई, ये दो थ्योरम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये तुरंत लगाए, तुरंत आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम बहुत ही जल्द और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।